नमस्कार, आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। गुना प्रदेश भर में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ लंबे समय से कोरोना लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार युवा ऑनलाइन प्रतिरोध कर रहे हैं। इसी युवा आंदोलन के चलते बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश भर के 2 दर्जन से अधिक छात्र युवा संगठनों में संयुक्त युवा छात्र मोर्चा गठित किया गया। उसी के आह्वान पर जिला कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा युवा संगठन जिला सचिव नीरज बैरागी ने कहा कि आज प्रदेश भर में युवाओं ने एक साथ विरोध दिवस पर सभी जगह पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे व विरोध प्रदर्शन किए। हम प्रदेश भर के सभी बेरोजगार युवाओं से अपील करते हैं कि लंबी लड़ाई है, हम सबको इस लड़ाई में पूरी एकता के साथ लड़ना है। आज हम लोगों ने गुना कलेक्टर में यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। आज मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार छात्रों का एक साझा मंच है, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश स्तर पर बेरोजगार दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। एक मांग दिवस हम लोगों ने मनाया है, जिसके तहत आज ज्ञापन दिया गया है। और इस मांग दिवस, इस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि देश के प्रदेश के कई पद ऐसे हैं सरकारी विभागों के जो अभी तक लंबित पड़े हैं, खाली पड़े हैं। उन पर कोई भर्ती पिछले लंबे समय से नहीं निकाली जा रही। 4 साल से प्रोविजनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कोई अपना कैलेंडर जारी नहीं किया गया। कई जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती, एसआई की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, बार बार उस डेट को कैंसिल किया जा रहा है, पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। ऐसे में उनका समय भी खराब हो रहा है, पैसा भी जा रहा है, ओवर एज भी स्टूडेंट्स हो रहे हैं। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत उस डेट को भी दिया जाए। पटवारी, स्टेनो, आईटीआई, तमाम शिक्षक वर्ग 1-2 परीक्षा जो है, इन सबको तुरंत लंबित किया जाए। और जो भर्तियां रुकी हुई हैं अभी तक, जो शिक्षा विभाग की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, उनमें उनको भर्ती किया जाए। साथ में जो कोविड स्टाफ को अभी कोरोना काल में भर्ती किया गया था, उनको जैसे ही कोरोना खत्म हो जाता है फिर से उनको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही कर दी जा रही है। उनको हम मांग कर रहे हैं कि स्थायी रूप से स्वास्थ्य विभाग में शामिल किया जाए, उनको स्थायी किया जाए और तमाम स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों पर भी स्थायी भर्ती की जाए। इस तरह से लगभग 10 से 11 मांगों को लेकर आज हमने ये ज्ञापन दिया है और गुना के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में भी ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी को लेके हम ये आज के ज्ञापन दें।